तो हेलो गाइस, कैसे हैं हम सभी लोग। वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो गाइस यार, आज बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है क्योंकि हमारी डायमंड डब ने अंडा दे दिया और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और वो अंडा भी उसने अभी दिया है, मैंने देखा था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। और अभी मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को डब का अंडा। तो गाइस अभी देखें, यहाँ पे हमारी डायमंड डब बैठी हुई है और मैं, ये फीमेल नीचे है और मेल ऊपर आया हुआ है। और अभी मैं आप लोगों को अंडा दिखाता हूँ और दिखाने की कोशिश तो मैं ऐसे ही करता हूँ। एक अंडा अभी मैंने सुबह देखा था तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये उठ ही नहीं रही है बिल्कुल भी, तो इसको अभी देखना तो है, तो फिर देखते हैं कैसे अभी करना पड़ेगा। अभी देखें, मैंने डब को हल्का सा छेड़ा था और ये साइड पे तो हुई है। और अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखें कैसे उल्टी हो गई है बिल्कुल। और अभी ये दिखा नहीं रही है अपना अंडा, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ साइड से। और ये तो उड़ के चली गई है नीचे। और अभी देखें, एक अंडा माशाल्लाह से दिया हुआ है इसने, और ये दिया भी इसने कल रात को ही था, तो शायद ये आज दूसरा अंडा दे दे या कल दे, तो अभी ये तो मुझे पक्का नहीं पता। और अभी ये नीचे चली गई है देखें, और ये घास को तोड़ने लग गई है। ये मैंने इनको नेस्टिंग दी थी, वो इन्होंने नेस्टिंग की है, तो अभी इन्होंने एग भी दे दिया है। और आज मेरा दोस्त भी आया हुआ है इधर मेरे पेट्स देखने, मैं इसके घर जाता हूँ तो ये भी आया हुआ है आज। और अभी मैं सारा कोई दिखा रहा हूँ इसको, मैंने ये भी अंडा भी दिखाया है। और अभी डायमंड डब बैठी हुई हैं, तो अभी ये दोबारा से आ जाएंगी क्योंकि ये अंडे की अपनी बहुत ज़्यादा केयर करती होती है। पिछली बारी तो रुई थी तो गीली हो गई, वो नीचे गिर गई थी रुई और अंडे टूट गए थे इनके, तो इस बारी तो इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे, उम्मीद तो यही है। तो अभी बस मैंने आप लोगों को अंडे दिखा दिए इसके, और बस इसका भी देखने की कोशिश करता हूँ कोई अंडा वगैरह आया कि नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से देखा नहीं है। अभी देखें, मैं मोबाइल इनके केज में अंदर किया और अभी देखें इधर कुछ भी नहीं है इसमें, तो और ऊपर वाली मटकी में तो इधर से ही नज़र आ जाएगा। देखें इधर भी कुछ नहीं है, तो अभी खैर इन्होंने तो कोई अंडा वगैरह नहीं दिया। और इन बजी से तो अभी उम्मीद भी नहीं है, और इनका दाना ख़त्म है तो इनका मैं दाना चेंज कर देता हूँ। पानी तो इनका सही है, और इसी बहाने इनके मैं अंडे भी देख लूँगा। वैसे मुझे लगता तो नहीं है लेकिन चेक कर लेते हैं, शायद क्या पता आ गए अंडे इनके भी। अभी मैं पानी के बर्तन की यहाँ से रुक निकालता हूँ देखें, और अभी नीचे आ चुका है बर्तन, और अभी ध्यान से मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि एक बार केज से निकल गए तो इन्होंने फिर उड़ जाना है। और ये हाथ में भी नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, और ये कहीं दूर जाके जब थक जाएंगे तो फिर बैठेंगे और उनका कोई शिकार कर लेगा। और अभी देखिए मैंने निकाली है और ये निकले नहीं है, निकल गया बाजरा। और अभी मैं इसको फेंकता हूँ, ये बाजरे का कचरा ही है सिर्फ, ये बाजरा नहीं है, तो इनको मैं बाजरा भी डालता हूँ। अभी देखें इस थैले में है इनका बाजरा, और अभी मैं बाजरा देखता हूँ अंदर। और अभी बाजरा है तो इनका काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, और मैंने शापर से निकाल दिया था, ये देखे सामने बाजरा पड़ा हुआ है और शापर भी अंदर ही है इसका। और अभी मैं अंदर से ये तो थोड़ा सा ही निकला है, और अभी मैं और भी निकालता हूँ, और पहले मैं निकाल लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी देखे मैंने बाजरा निकाल लिया है, और अभी इसको अंदर मैं रख देता हूँ, और उम्मीद है कि इस बारी भी नहीं निकलेंगे, तो अभी बस मैं अंदर डालता हूँ इसको। पहले मैं डाल लेता हूँ क्योंकि एहतियात करनी पड़ती है, अगर ये उड़ गया तो फिर इन्होंने हाथ नहीं आना। अभी मैंने इसके साथ हुक तो नहीं जोड़ी, वैसे ही इसको रख दिया है, और अभी मटकी में देख लेता हूँ यहीं से ही नज़र आ जाएंगे। और इधर देखिए कोई भी अंडा नहीं है मटकी में, मैंने देख ली है, ये देखिए खाली है मटकी बिल्कुल। और अभी इसको मैं वापस रख देता हूँ केज को, इन दोनों केज के बीच में। और इधर देखें अभी बीच में चला गया है केज, और अभी मैंने यही दिखाना था आप लोगों को तो अभी मैंने दिखा दिया है। देखिए हसन बाहर आया हुआ है और इधर बैट बॉल खेला जा रहा है, ये बैटमैन है। और वो देखे सामने बालर कितनी दूर आ रहे हैं, बाल कराओ बाल, ये देखें अभी बाल करा रहे हैं, और मैं भी अभी इनके साथ ही खेला था ये देखें। और ये अभी इन्होंने टच किया, कोई छक्का चौका नहीं गया। और अभी ये हमारा बच्चे दोबारा से बॉलिंग करा रहे हैं, और अभी मैं भी इनके साथ खेल ही रहा था, तो अभी बस मेरा तो दिल भर गया, तो मैं व्लॉग अभी बना रहा हूँ। और ये भी आया हुआ मेरे घर, तो अभी इसको सारा कुछ दिखाएंगे। ओए लगे ध्यान करना। और अभी बस मैं इसको अपनी छत का भी सारा रिव्यू करवाता हूँ। अभी देखें ये हसन भाई आ रहे हैं हमारी छत पे, और इनको सारा रिव्यू करवाएंगे। ये पहले भी आए हुए हैं एक बार, इधर पकड़ लेता हूँ और इसको मैं, वो देखे वो डर के आ नहीं रहा, ये देखे इधर खड़ा है, ये डर के आ नहीं रहा। ओए चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, ऐश ऐश चुप हो जाओ, दोस्त है तुम्हारा वो, ऐश चुप चुप। अभी मैं इसको चुप करा रहा हूँ लेकिन ये चुप बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो इसको ऐसी
देखना पड़ेगा सारा कुछ। अभी ये तो डर ही गया, कहता मैं अगली बार जब आऊंगा तब देख लूंगा। उसने ये चूजे तो देख लिया क्योंकि ये करीब करीब ही फिर रहे हैं, खरगोश वगैरह नहीं देखे हमारे इसने, और अभी ऐसे इसको देखने नहीं दिया कुछ। तो खैर अभी डरना भी बनता है क्योंकि ये है ही ऐसा। बड़ी मुश्किल से मैंने ऐश को पकड़ के उसको पार कराया और उसने ये मुर्गियाँ वगैरह तो देख ली हैं। और ये पहले एक बार ही आया था जब ऐश नीचे होता था, तो अभी देखें ये हमारे खरगोश भी देख लेगा और खरगोश अंदर है। और अभी बस इसने इधर से ही देख लिया है क्योंकि इसको डर लगता है। और अभी बस नीचे चलते हैं क्योंकि ऐश ने इसका सर खाया हुआ है और अभी बस भाग के नीचे जाना पड़ेगा। तो अभी बस नीचे चलते हैं हम। अभी हसन ने पार कर लिया है और ये दोबारा से इधर आ गया है, चलो चलो नीचे नीचे। और अभी ये नीचे जा रहा है, अभी हसन देखे जा रहा है और अभी बाहर ये बैट बॉल ही खेलेगा। और अभी मैंने आप लोगों को डफ का अंडा दिखा दिया और बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है, कबूतरों के भी अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। सिर्फ 5-6 दिन और वेट करना पड़ेगा, अंदाज़ा ही लगाया मैंने, इससे पहले भी निकल सकते हैं और बाद में भी। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, मिलेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अभी की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।